तो गाइज आज फिर से एक नया अनबॉक्सिंग है, तो लेट्स बिगिन। टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना, और सेक्शन है हटके। तो आप अगर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है, हर एक वीडियो को लाइक भी करते जाइए ताकि आपका भाई आगे बढ़े। अनबॉक्सिंग में हमेशा एक नाइफ होता है और किसी बॉक्स को कट किया जाता है, ठीक है। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रियलमी बड्स के वायरलेस ईयरफोन्स दोनों। इसके तो सारे सील मैंने कट कर दिए, अब ये रहे बड्स आपके सामने। तो अभी थोड़ा कैमरा को आगे कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह इनको हम निकाल लेते हैं। काफ़ी अच्छी पैकिंग है इसकी, काफ़ी सॉलिड सी पैकिंग है। पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इसके साथ में। ये रहे अपने ईयरफोन्स, और इसके अंदर अभी हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सो इसके अंदर कुछ एक पैकेट निकला है, तो पैकेट के अंदर आई थिंक ईयर टिप्स होने वाले हैं, तो चलिए इन्हें भी खोला जाए। अरे इसके साथ तो सिर्फ चार्जिंग केबल आया है और ईयर टिप्स भी आए हुए हैं। तो आपका जो भी कान का साइज़ होगा उस हिसाब से ये बड्स फिट होंगे। दो पेयर मिलते हैं, अभी टाइम है इसे कनेक्ट करने का, तो चलो इसे जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। और एक अनबॉक्सिंग आने वाली है, लेकिन आई थिंक उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ब्लूटूथ मैंने शुरू कर लिया, अभी कनेक्ट करते हैं। वॉल्यूम का प्लस वाला बटन है जिससे वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और यहाँ से कम कर सकते हो। आई थिंक ये कनेक्ट करने के लिए फ़ोन, जब भी आप कॉल रिसीव करो तब इसका यूज़ आप कर सकते हो। काफ़ी स्लिक सा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है, देखने में और फील करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो एक बार इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक रेड लाइट जल रही है, और जैसे ही मैं इसे डिसकनेक्ट करता हूँ तो एक ब्लू वाला लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, हाँ जो कि हो रहा है। तो कुछ इस तरह ये वर्क करेगा। जल्दी से हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या ओके, तो इसे मैंने अभी कनेक्ट कर लिया है। अभी देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, ठीक है। हाँ अभी डिसकनेक्ट हो गए क्योंकि मैग्नेट से जैसे चिपकते हैं ना, तो ये जल्दी से डिसकनेक्ट हो जाता है, और जैसे आप इसे छोड़ते हो ये कनेक्ट हो जाता है। सो राइट वाला साइड कौन सा होगा इसका, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है यार ये, आई थिंक ये राइट साइड है। नाउ लेट्स लिसन द सॉन्ग। बैटरी 100% है इसका, मतलब चार्जिंग का टेंशन ही नहीं है। अभी रियल ट्रुथ अच्छा सा गाना सुनते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी हम टेस्ट करते हैं। मेरा जो फ़ोन है, मेरे पास अभी जो फ़ोन है, तो ये SBC सपोर्ट करता है, डबल AC को सपोर्ट नहीं करता है। तो मुझे वो नोटिफिकेशन भी आया था, अगर आप कनेक्ट करते हो तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी साउंड सुन लेते हैं हम, अगर कोई गलती हो तो। मैं ये आस्था गिल का गाना सुन रहा हूँ, काफ़ी अच्छा साउंड है। सराउंड साउंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी भी है, और म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा सुनाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा साउंड है। इसे और एक फ़ोन से कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। और एक फ़ोन से कनेक्ट करके देखते हैं।
वाह, काफ़ी अच्छी साउंड है। और कोई नोटिफिकेशन है, मतलब ये AAC को सपोर्ट करता होगा आई थिंक। हाँ सपोर्ट करता है, तो अब इसके अंदर साउंड क्वालिटी टेस्ट करता हूँ। सेम गाना आस्था गिल का, सिर्फ मैं सुनूंगा आपने। AAC काफ़ी इनक्रेडिबल है, काफ़ी इनक्रेडिबल है। अगर मेरा भाई राहुल आप अगर सुन रहे हो तो मैं अभी आपका पसंद का गाना लगा रहा हूँ, दारू बदनाम। सो ये गाना मैंने प्रोजोन मॉल के अंदर एक बोस का स्पीकर देख रहे थे जब हमने सुना था वो गाना, तब से मुझे बहुत पसंद है। तकरीबन 1 साल हो गया इस गाने को सुने, और हर रोज़ सुनता हूँ लेकिन बोर नहीं होता हूँ। सो गाना शुरू हो रहा है। एक बात बताऊँ, ये सरदार, इनकी वॉइस भी काफ़ी इनक्रेडिबल होती है यार, और सरदार भी काफ़ी इनक्रेडिबल होता है। सो वर्डिक्ट तो बस यही है, साउंड काफ़ी इनक्रेडिबल है इसके अंदर। AAC साउंड सपोर्ट का, अगर आपका फ़ोन सपोर्ट करता है तो ये फ़ोन आपके काम का। भी मेरे पास में जो फ़ोन था उसे वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, और जिस फ़ोन में सपोर्ट कर रहा था आवाज़ काफ़ी इनक्रेडिबल आ रही थी। उसके अंदर थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी लो था, मतलब बिल्कुल भी आवाज़ इतना तेज़ नहीं आ रहा था, लेकिन इसके अंदर म्यूज़िक भी काफ़ी अच्छा सुनाई दे रहा है, लो साउंड पे भी और हाई साउंड पे भी। तो आई विल रिकमेंड इट, 1600 रुपये में परचेज़ कर लीजिए इसे। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, या फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ट्राई करूँगा आपको अवेलेबल करके देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और शिपिंग का चार्ज आपको देना होगा अगर आप यहाँ से दूर रहते हो। अगर आप मुझे जानते हो और अगर आप मेरे आसपास ही गए रहते हो तो आपको शिपिंग का चार्ज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से दूर रहते हो तो आपको शिपिंग का चार्ज देना पड़ेगा। तो हटके में आज के लिए बस इतना ही था। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, आपके भाई का ही चैनल है।